आपको बहुत खूब पता होगा YouTube पर एक ऐसा निश है जो है हमारा एनिमेशन का, जो स्टोरीज एनिमेशन वीडियोस होते हैं उसका निश बहुत प्रॉफिटेबल निश है, जहाँ पर एक एक वीडियो अगर आप मंथली एक वीडियो डालोगे ना, वो एक वीडियो आपका 2-3 मंथ का अर्निंग जुगाड़ करके दे देगा। ज्यादातर किड्स रहते हैं, अब किड्स को तो मोबाइल मिलता नहीं है, वो चलाते अपने मम्मी पापा का फोन, भाई वगैरह का। एड तो वही एड दिखाया जाता है जो यहाँ पर यूजुअली हमें एड दिखाया जाता है। जो क्या होता है कि वो बच्चा अगर एक बार क्लिक करता है ना तो वीडियो पूरा देखता है, तो उसमें उसका एड रेवेन्यू बहुत इंक्रीज होता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पॉन्सर का ना अलग से उसको अर्निंग मिलता है अगर एक चैनल अच्छा खासा लेवल पर है। नाउ ये वीडियोस बनाने इतना आसान नहीं होता था आगे के टाइम में, मतलब आज से 1-2 साल पहले। बट अब थैंक्स टू AI, क्योंकि AI की मदद से ना ऐसे खतरनाक तरीके के सॉफ्टवेयर से लो, वेबसाइट ले लो आ चुका है, जिनकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ इस वीडियो को आप ऐसा वैसा वीडियो मत समझना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो को सेव करके रख लो या फिर लाइक मार के रख लो, बाद में भी आके देख सकते हो, या फिर डाउनलोड करके रख लेना, आपका काम बहुत आएगा। क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा इसी निश के ऊपर अनलिमिटेड कैसे टॉपिक निकालना है, और साथ ही साथ उस टॉपिक की मदद से ना एक अच्छा खासा स्क्रिप्ट कैसे लिखना है। इस वीडियो को 4-5 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, वो हम ChatGPT की मदद से क्रिएट करेंगे। सो राइट नाउ मैं आ चुका हूँ ChatGPT के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या क्रिएट करूंगा, मैं स्टोरी क्रिएट करूंगा, स्टोरी आइडियाज। तो उसके लिए मैं एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं, बस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गिव मी सम इनक्रेडिबल स्टोरी आइडियाज फॉर यूट्यूब वीडियोज। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कॉमेडी स्टोरी, या फिर कह लो आप हॉरर स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरीज, इस तरह से चीजें आप इंक्लूड करोगे तो आपको ChatGPT रिजल्ट दे देगा। मेरे सामने यहाँ पर मैंने बस लिखा इनक्रेडिबल स्टोरी आइडियाज, तो यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे स्टोरी आइडियाज निकल कर आ चुका है। इसमें से मैं एक सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ChatGPT आपको यहाँ पर 10 रिजल्ट शो करता है, अगर आपको और भी रिजल्ट चाहिए तो नीचे बस मोर लिखो और भी रिजल्ट शो करेगा। तो इसमें से क्या करूंगा ना, सबसे पहले एक मैं स्टोरी लूंगा, ये नंबर 1 वाला स्टोरी ले लेता हूँ, देखने में भी काफी सही है, और भी चीजें स्टोरी है नीचे, आप उनमें से कोई भी स्टोरी आइडिया ले सकते हो। मैं ये स्टोरी यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये स्टोरी का जो है आइडिया इसने दे दिया। अब इस स्टोरी के आइडिया को यूज करके ना मैं इमेज जनरेट करूंगा। ये जो आइडिया है ना, इस जो स्टोरी है, ये कंप्लीट स्टोरी में क्या क्या इमेज यूज होगा ना, ये ChatGPT आपको बता देगा। तो उसके लिए हम इमेज जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं। तो देखो, गिव मी सम प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेज फॉर दिस स्टोरी, उसके बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया सेमीकोलन देके। अब जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक किया, अब ये सारा प्रॉम्प्ट दे रहा है। ये कौन सा प्रॉम्प्ट है, ये इमेज का प्रॉम्प्ट है जो ये स्टोरी पर इंक्लूडेड है। ओके, क्योंकि AI ने यहाँ पर एनालाइज किया तो सारे प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ चुका है। आपको ज्यादा जितना भी प्रॉम्प्ट चाहिए ना, बस लिख दे जाओ। जैसे कि यहाँ पर 12 दिखाया, तो मैं यहाँ पर मोर लिख देता हूँ। मोर लिखने से और भी यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉम्प्ट एड होता जाएगा। ये सारे प्रॉम्प्ट को आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इन चीज़ को ना, सारे प्रॉम्प्ट को एक इमेज बना के, सारे इमेज को आपको डाउनलोड करने के बाद उन्हें वीडियोस में कैसे कन्वर्ट करूंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, ये वीडियो इतना, भाई आप एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई एकदम सिनेमेटिक तरीके का जो कार्टून एनिमेशन वीडियोस वगैरह होते हैं वो से हो जाएगा, लेकिन नहीं, वैसा नहीं होगा। बट हाँ, जो भी होगा बहुत तगड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे कि राइट एन एंगेजिंग स्टोरी फॉर दिस कीवर्ड, ओके, और दिस कीवर्ड, और यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ ऐड फन एंड इमोशन इनसाइड द स्टोरी व्हिच व्यूअर्स एंजॉय व्हाइल रीडिंग। अब यहाँ पर चीज़ें और भी आप स्पेसिफिकली बता सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर AI, ये जो हमने आइडिया लिया था, कॉपी किया था, उसी आइडिया के ऊपर हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। अब बता दूँ, ये जो स्टोरी ये क्रिएट करके दे रहा है, ये बहुत लंबा स्टोरी आप देख सकते हो, और ये इंग्लिश में है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो नीचे बस ट्रांसलेट इट इन हिंदी लिख दो, ये हिंदी में बना के दे देगा। काफी लंबा स्टोरी है, तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट करने के लिए मेक दिस स्टोरी अप टू 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स मैंने लिखा, तो AI एनालाइज करके ये सारे स्टोरी को ना यहाँ पर कंसाइज करके ये 300 वर्ड में बना के दे देगा, ठीक है। और ये इम्पैक्टफुल भी रहेगा, सुनने में भी बढ़िया रहेगा, और छोटा भी रहेगा। तो जितना लंबा आपका वीडियो होगा ना, 1000 वर्ड का अगर आपको लगता है कि 7-8 मिनट का वीडियो है, तो भाई आप 1000 वर्ड का यूज करो। अगर आपका शॉर्ट वीडियो है, मीडियम भाई लेंथ है इसका, तो 300-500 वर्ड ही यूज करो। तो यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। नाउ मैं आपको क्या करूंगा, नाउ मैं आपको कुछ और तरीका बताता हूँ। अब हमारा तरीका है कोहेसिव AI। ये कोहेसिव AI की मदद से भी आप काफी अच्छा स्टोरी जनरेट कर सकते हो। सेम वो जो हमने स्टोरी आइडिया कॉपी किया था ना, उसे बस यहाँ पर पेस्ट करो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑडियंस बताना है, आपका ऑडियंस कौन सा है। हमारा ऑडियंस है किड्स, एडल्ट्स, और उसके बाद यहाँ पर जॉनर क्या है, ये जो स्टोरी है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये मिस्टीरियस स्टोरी है, ओके। सो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर मीडियम उसका लेंथ दे दोगे, जनरेट पर क्लिक करो, ये स्टोरी ऑटोमेटिकली ये जनरेट करके दे देगा। अब ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर साथ ही साथ ना आपको इनक्रेडिबल वॉइस ओवर भी साथ में देता है। आप एक बार सुनो। In the heart of a bustling metropolis,
an urban explorer named Alex embarked on a thrilling adventure. One day, while exploring an abandoned building, Alex stumbled upon a hidden door that led to an extraordinary... इसका ना English voiceover इतना professional है, same like that way इसका हिंदी जो voiceover है ना, अगर आप हिंदी में translate करोगे, हिंदी जो इसका voiceover है, ये उससे भी खतरनाक है। Now, अब हमारा बारी क्या है? ये जो सारे हमारा image का prompt आया था ना, ये story से related, ये सारे prompt को हम one by one copy करके, उसका हम image create करेंगे prompt का, ठीक है? तो बस यहाँ पर Adobe Firefly पर आके यहाँ पर बस generate पर क्लिक करो और इसका जो रेशियो है वो आपको वाइड स्क्रीन कर देना है एंड आपके सामने यहाँ पर हमारा पहला इमेज का जो एलेक्स का यहाँ पर स्टोरी था ना, पहला जो हमारा इमेज चाहिए था वो यहाँ पर Adobe Firefly ने क्रिएट करके दे दिया। कोई सब इसमें से चूज करो, डाउनलोड करो। भाई आप देख सकते हो कितना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से मैं जा रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना क्योंकि इस तरह का भाई डिटेल वीडियो शायद ही कोई आपको बताए। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर कॉपी किया है उसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सीन होगा स्टोरी का, उसका यहाँ पर मैंने फोटो कॉपी प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया और उसका हम इमेज जनरेट करेंगे। सो सेम दैट वे सारे इमेज ना, सारे जो प्रॉम्प्ट है सबको कॉपी करके पेस्ट करो और इमेज बस जनरेट करो। उसके बाद इस जो Adobe Firefly है ना, उसके अंदर आपको एक वाटरमार्क देखने को मिलता है, उसको हटाने के लिए क्लिप ड्रॉप AI पर आके बस इस तरह से ड्रॉ करके हटा देना या फिर कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद इस सॉफ्टवेयर पर आ जाना जिसका नाम है LipEX, ना क्या नाम है इसका, प्रोनाउंसिएशन भी सही से आ नहीं रहा। देन उसके बाद उस पर आके आपको अपना सबसे पहला जो इमेज आपने ऐड किया था स्टोरी से रिलेटेड उसे ऐड करो। ये इमेज को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि ये मूविंग रहे और ये स्टेबल नया रहे, ठीक है, स्टेटिक फोटो ना रहे, जिससे हमारा जो वीडियो क्रिएट करेंगे ना कम से कम लोग स्टोरी पर तो फोकस करें, साथ ही साथ स्क्रीन में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट हो, क्योंकि ये फोटो है इसे वीडियो में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते लेकिन 3D में कन्वर्ट कर सकते हो और स्टोरी रिलेटेड वीडियोस में ये बहुत बेहतरीन होता है। सिंपली यहाँ से आप इस तरह से MP4 में डाउनलोड कर लोगे। सेम लाइक दैट वे मैं आपको एक और क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर या फिर ये जो वेबसाइट है ये L, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, इसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा है, LipEX ना क्या नाम है इसका। सो सेम दैट वे आपको यहाँ पर सारे इमेज का ना 3D वर्जन क्रिएट कर लेना है, आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हो और शेयर बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। नाउ ड्रैग ऑल द फोटोज इनटू प्रीमियर प्रो और व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। नेक्स्ट उसके बाद ये सारे लेयर को इस तरह से अलाइन करो और अलाइन करके अपने वॉइस ओवर के साथ मैच करो। इन द हार्ट ऑफ अ बसलिंग मेट्रोपोलिस, An urban explorer named Alex embarked on a thrilling adventure. One day, while exploring an abandoned building, Alex stumbled upon a hidden door that led to an ये वॉइस ओवर और सीन के साथ कितना शानदार तरीके से मैच हुआ। अब क्या करेंगे इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, हम यूज़ करेंगे ट्रांसक्रिप्ट का जो Adobe Premiere Pro के अंदर मिलता है सबटाइटल जनरेट करने के लिए, जो कैप्शन हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बस कुछ थोड़ा बेसिक सेटिंग करूँगा और साथ ही साथ यहाँ पर सिंगल पर रख के मैं यहाँ पर ये वॉइस ओवर का सबटाइटल जनरेट कर लूँगा। और सबटाइटल जनरेट करती बस आप देखना, ये सबटाइटल को यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा बहुत एडिट करूँगा इसका टेक्स्ट चेंजेस में या फिर साइज वगैरह पर, कलर वगैरह पर। देन उसके बाद आप ये रिजल्ट देखो कैसा शानदार लग रहा है। इन द हार्ट ऑफ bustling metropolis, an urban explorer named Alex embarked on a thrilling adventure. One day, while exploring an abandoned building, Alex stumbled upon a hidden door that led to an extraordinary discovery. ये आइडिया ना, ये जो नेश है ये बहुत ज़्यादा कमाता है अगर आपके पास स्क्रिप्ट अच्छे से इस तरह से बनाना सीख जाओगे और प्रॉम्प्ट अच्छे से बना के आप वीडियो एडिट अच्छा से करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस होल वीडियो। ये वीडियो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि काफ़ी टाइम लगा मुझे ये वीडियो को क्रिएट करने में। सो यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें बताया ना बारीकी से देखना, टाइम नहीं है डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो, बाद में भी देख सकते हो। सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन चैनल का नहीं जा रहा। जी हाँ, मैं सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करना।